और ये वो सक्सेस इंग्रेडिएंट्स है, अगर हमने इसको अपनी लाइफ में उतार लिया तो हमारी लाइफ बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। यस गाइस, हमारी लाइफ बहुत ही इजी हो जाएगी। यू नो, जो भी हम चाहते हैं वो हम पा सकते हैं थ्रू दिस सक्सेस इंग्रेडिएंट्स। और इस सक्सेस इंग्रेडिएंट्स का नाम है द मेंटरशिप। यस गाइस, द पावर ऑफ मेंटरशिप। जैसे कि हम सबको पता है, यू नो, एक मेंटर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी फील्ड में। अगर हम लोगों की बायोग्राफी उठा के देखें, या अगर हम यू नो जिन्होंने भी सक्सेसफुल हुए हैं किसी भी फील्ड में, अगर उनकी हम बात करें, तो उन सब की लाइफ में कोई ना कोई मेंटर था जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हो पाए या हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यू नो सचिन तेंदुलकर की, तो उनके मेंटर थे। अगर हम बात करें महात्मा गांधी की, तो उनके मेंटर थे। अगर हम बात करें APJ अब्दुल कलाम की, तो उनके मेंटर थे। अगर हम बात करें स्टीव जॉब, बिल गेट्स, यू नो, मार्क जुकरबर्ग, या लॉट्स ऑफ पीपल्स जो अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, लेकिन उन सब का एक ही कॉमन यू नो गोल है, उन सब का एक ही कॉमन बात है कि उन सब के मेंटर्स हैं, राइट? उन सब के मेंटर हैं जो उनको पीछे हेल्प कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। अब बात ये आती है कि मेंटर कौन है। गाइज, मेंटर एक वो व्यक्ति है, वो इंसान है जो उस फील्ड का एक्सपर्टीज है, जो उस फील्ड का यू नो उसने उस फील्ड में, जिस फील्ड में वो है, अपनी नॉलेज को उस लेवल तक वो ले गया है जहाँ जाके वो लोगों की हेल्प कर रहा है। यू नो, उसके पास विजडम है, उसके पास एक्सपीरियंस है जो बहुत है। एक्सपीरियंस इज यू नो मोर देन नॉलेज। एक्सपीरियंस जो उसने प्रैक्टिकल उस लाइफ को जिया है, यू नो, वो इंसान आपकी जब मदद करता है, आपके साथ रिलेशनशिप बनाता है, आपके साथ फ्रेंडशिप करता है, वो आपका मेंटर कहलाता है, जो आपको गाइड करता है, एक सही डायरेक्शन देता है, एक सही विजन देता है आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, राइट? सो गाइज, हमें भी अपनी लाइफ में मेंटर्स चाहिए। हमें भी अपनी लाइफ में मेंटर्स फाइंड करने हैं कि जो हमारी लाइफ को एक डायरेक्शन दे पाएँ, हमारे थॉट को एक क्लियर हमें विजन दिखे जो भी हम करना चाहते हैं। तो उससे क्या होगा, अगर हमें मेंटर मिलेंगे तो उससे क्या होगा, हम गलती करने से बच जाएंगे। उससे क्या होगा, जो भी हमारे एक्शन होंगे वो परफेक्ट होंगे, हम जो भी काम करेंगे वो सही होगा। यू नो, हमारे सबके पास समझने की बात ये है कि बहुत कम टाइम है। बुद्धा कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर थिंकिंग दे हैव ए लॉट्स ऑफ टाइम, राइट? बुद्धा ने भी बोला है कि हम सब सोचते हैं हमारे पास बहुत टाइम है, हमारे पास टाइम नहीं है गाइज, लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। यू नो, आपको जो करना है आप करिए, स्मार्टली आप काम करिए। यू नो, तो आपको उन लोगों को फाइंड करना है जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, जो उस फील्ड के एक्सपर्टीज हैं, उनको गाइड करिए, उनको मेंटर बनाइए अपना, और फिर देखिए आप कितनी जल्दी उस फील्ड में ग्रोथ करते हैं। लेकिन ये चीज़ हमें किसी ने नहीं बताई, राइट? ना किसी कॉलेज में, ना किसी यू नो यूनिवर्सिटी में ये बात हो रही है। इवन आफ्टर जब हम इंजीनियरिंग कर लेते हैं, या जो हमारी एजुकेशन ख़त्म हो जाती है, उसके बाद हमारी लाइफ में कोई भी मेंटरशिप नहीं रहती है। हमारी लाइफ में हमें बस यही सिखाया गया कि पैसा कैसे कमाओ, कैसे अच्छी जॉब लो, कैसे शादी करो, बस दैट्स इट। उसके बाद लाइफ क्या होगी वो कोई नहीं बताता है। उसके बाद कोई मेंटरशिप होगी, कोई सिस्टम होगा, वो कोई नहीं बताता है। गाइज, उसके बाद भी बहुत चीज़ें हैं, उसके बाद भी हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशनशिप है, एंड हैप्पीनेस है, जो लाइफ में बहुत ज़रूरी है। वो आपको कौन बताएगा, कौन बताएगा वो आपको? हमें वही फाइंड करना है, हमें वही लोग ढूंढने हैं जो हमें उस बारे में बता पाएँ और हम अपनी लाइफ को बेटर बना पाएँ, राइट? हमें समझना है कि हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं गाइस। वी आर लिविंग इन द 21st century। वी आर जहाँ इंफॉर्मेशन फ्री है, यू नो, कोई भी इंसान कहीं से जाके कुछ भी सीख सकता है, यू नो, लेकिन हमें ये डिसाइड करना है कि हम वो इंफॉर्मेशन अपने माइंड में कहाँ से ले रहे हैं, हम किस मेंटर को चूज़ कर रहे हैं, हम किस लोगों की बायोग्राफी देख रहे हैं, हम YouTube पे क्या देख रहे हैं, क्या फाइंड कर रहे हैं, क्या बुक्स पढ़ रहे हैं, राइट? हमको ये डिसाइड करना है, और हम जिस दिन ये डिसाइड किए, हमको भी मेंटर मिलने लगेंगे लाइफ में, राइट? और मेंटर आपको हर तरीके से मिल सकता है। दे आर लॉट्स ऑफ टाइप ऑफ मेंटरशिप, राइट? अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको उसमें मेंटर मिल सकते हैं। अगर आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है, एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ना है, यू नो, हैप्पीनेस अगर आपको चाहिए लाइफ में, रिलेशनशिप आपको बेटर करना है, आपको पॉलिटिक्स में जाना है, सिंगिंग में जाना है, आपको जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड में आपको मेंटर मिल सकते हैं। बट आपको फाइंड करना है पहले कि आपको करना क्या है। पहले आपको फाइंड करना है अपने अंदर खुद, हु एम आई एंड वेयर आई वॉन्ट टू गो। जब आप डिसाइड कर लेते हो ना, आपको वो लोग
खुद मिल जाते हैं जो आपकी मदद करने के लिए आगे आते हैं, आपको आपके हाथ पकड़ लेते हैं आपको आगे बढ़ाने में, यू नो, आपको डायरेक्शन देते हैं, आपको विज़न देते हैं, आपको क्लियरिटी देते हैं लाइफ में। तो आप कम समय में जो भी आप करते हो बहुत सही करते हो, आपके एक्शन सटीक होते हैं, यू नो। अब बात ये आती है कि हमें मेंटर कैसे मिले। जैसे मैंने बताया हमें मिल सकते हैं, गाइज दे आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, दे आर लॉट्स ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स जहाँ से हम मेंटर्स मिल सकते हैं। अब बुक्स उठाइए ना, दे आर लॉट्स ऑफ बुक्स, यू नो, जो अवेलेबल है, इतनी फ्री अवेलेबल है, राइट, अमेजोन या कहीं पर भी आप देख सकते हैं। वो लोग जिन्होंने अपनी बुक्स लिखी हैं, जो एक्सपर्टीज हो उस लेवल में, जो बहुत बड़ा कर रहे हैं, उन्होंने अपनी बुक्स लिखी हैं, उन बुक्स को पढ़िए, यू नो, यूट्यूब पे देखिए उनकी बायोग्राफी को, उनके चैनल में जाके देखिए वो लोग क्या कर रहे हैं, उनको फाइंड करिए, यू नो, बायोग्राफी पढ़िए लोगों की, एसोसिएशन में रहिए लोगों के, फिजिकल कोई मेंटर देखिए जो आपको हेल्प कर सके, आपकी लाइफ को एज ए फ्रेंड की तरह आपसे बात कर सके और आपकी प्रॉब्लम समझ के उसको सॉल्व कर सके, यू नो। जब आप हम ऐसा करने लगेंगे, अपने मेंटर को फॉलो करने लगेंगे, तो हमारी लाइफ जो है ना बहुत ईजी हो जाएगी। क्योंकि हमें ये समझना है कि आज का टाइम डुप्लीकेसी का टाइम है गाइस, आज का टाइम एक्सप्लोर करने का नहीं है, आज का टाइम डुप्लीकेट का टाइम है। जो चीज़ होनी थी सब हो चुकी है लाइफ में, जो आप सोचते ना वो हो चुका है, राइट। बस हमको एक्सप्लोर करने की जगह हमको डुप्लीकेट करना है, हमको उन लोगों को फॉलो करना है जो ऑलरेडी उस फील्ड में आगे हैं हमसे, जो ऑलरेडी सब गलतियां कर चुके हैं, जो ऑलरेडी यू नो वो सब ट्राई कर चुके हैं जो हम ट्राई करना चाहते हैं। हमको बस उनको फॉलो करना है, उनके बारे में पढ़ना है, उनके बारे में समझना है, तो हम बहुत ही कम टाइम में स्मार्टली वर्क करके अपनी लाइफ को बहुत बेटर बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा बेटर बना सकते हैं गाइस। ओके, सो आई होप मैंने आपकी लाइफ में थोड़ी वैल्यू ऐड की हो थ्रू दिस मेंटरशिप। आप भी अपनी लाइफ में मेंटर देखिए, मेंटर सभी को मिल सकते हैं गाइस, बट उससे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। और एक बार और मैं बोलूँगा, ये जो सेंटेंस मैं बोलने वाला हूँ ये बहुत ही स्ट्रांग है, और ये पूरी जो वीडियो है उसका रूट कॉज है कि मेंटरशिप इज नॉट द फ्री, वी हैव टू पे द प्राइस। यस गाइस, मेंटरशिप इज नॉट द फ्री, वी हैव टू पे द प्राइस। अगर आप प्राइस पे करने के लिए तैयार हैं तो आपको डेफिनेटली मेंटर मिलेगा, डेफिनेटली कोच मिलेगा जो आपकी लाइफ बेटर बना देगा।